जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर मीन्स आप इसमें बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, एक्सेसिव वरीड होते हैं अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़, और इतनी छोटी सी बातों पर, मामूली सी बातों पर आप जो बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इवन कि वो इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना आप उसको अपने सर पर सवार कर लेते हैं। सो एक ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होती चीज़, आप इस पर नॉन स्टॉप या फिर सोचते रहते हैं, वरीड होते रहते हैं और आप रिलैक्स नहीं कर पाते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाते। सो इसमें आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको बहुत खौफ होता है, डर होता है, और इसमें आप फ्यूचर के बारे में आपको ख्यालात आते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो आप इस तरह परेशान जो है वो होते रहते हैं फ्यूचर के बारे में भी सोच कर। एंड देन इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें जो एंग्जाइटी से सिमिलर सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इसमें रेस्टलेस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, एक्सेसिव वर्ड होते हैं, फटीक फील कर रहे होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, यानी बहुत चिड़चिड़ापन फील कर रहे होते हैं, आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते किसी जगह पर, आपकी थाट्स जो हैं वो रेसिंग होती हैं, यानी आपकी थाट्स जो हैं वो रुकती नहीं हैं, कंट्रोल नहीं होती आपसे, और आपको ख्यालात जो हैं वो आते रहते हैं, और इवन के स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसोम्निया, नींद की कमी हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं। एंड देन फिज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे हेडेक है, स्टमक एक है, एंड देन आप कुछ नर्वस फील करते हैं या घबराहट फील करते हैं, एंड देन फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, यानी आप डाउट में होते हैं, आप श्योर नहीं होते, देन आप एंक्शियस सिचुएशंस जो होती हैं जो आपको रेस्टलेस कर देती हैं, बेचैन कर देती हैं, आप उन सिचुएशंस को अवॉइड करने लगते हैं। सो ये सिम्टम्स हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, और इसकी पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, देन इसको हम डायग्नोस करते हैं GAD अकॉर्डिंग टू द DSM-5। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।